इसमें कैमरे भी है, एक्चुअली दो कैमरे है, को देख के मेरे एक्सपेक्टेशन कह लो काफ़ी ज़्यादा लो हो गए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप आई होप आप सभी ठीक हो, मेरा भी हाल चाल ठीक है। सो इस व्लॉग में मैं आपको जो टेमू ऐप के प्रोडक्ट होते हैं उसका थोड़ा रिव्यू करने जा रहा हूँ, और मैंने भी कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आपको शेयर करूँगा। वैसे इनकी डिलीवरी सर्विस सच में काफ़ी अच्छी है, 15 से लेके 22 तारीख के बीच में आने वाला था बट आज 13 तारीख है और ये 3-4 दिन पहले ही आ गया। तो ये रहा मेरा पार्सल जिसमें 5-6 प्रोडक्ट होंगे, तो वो आप सबको मैं दिखाता हूँ। प्रोडक्ट दिखाना, सो मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं दिखा सकता, एड्रेस सब है। वैसे यार मैंने प्रोडक्ट कल खोलने थे बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए अभी खोल रहा हूँ, ज़्यादा डीप कट ना बच जाए, खुशी हो रही है। एक काम कर सनी, थोड़ा क्लोज अप आ, ऊपर से थोड़ा प्रोडक्ट दिखाते हैं इसको, लाइक ऊपर से ऐसे दिखा तो ज़्यादा डिटेल में कर जाएंगे, बस ये एड्रेस नहीं दिखा। सो इसमें आई गेस ड्रोन होगा, मैंने एक ड्रोन भी मंगाया था, सस्ता सही पड़ रहा था एंड फ्री में भी, सो इसमें होपफुली ड्रोन ही होगा। और ये इसको गिम्बल बोलेंगे कि सेल्फी स्टिक बोलेंगे ब्रो? सेल्फी स्टिक, सेल्फी स्टिक है, ये भी मंगाया था। सो मेरे को बस चेक करना है कि ये सभी बेटर होते हैं कि नहीं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ट्रिमर, जो कि हमारा गुम हो गया इसलिए मंगाना पड़ा। शेवर, या शेवर ट्रिमर जैसे ही तो यूज़ होगा। और नेक्स्ट जिसकी मेरे को शायद ज़रूरत थी, एक ब्लूटूथ, मेरा पहले वाला ख़राब हो गया, एक्चुअली दो ख़राब हो गए, वॉशिंग मशीन में रह गया था, अच्छे से धुल गया फिर। और ये एक वॉलेट, इसको देख के मेरे एक्सपेक्टेशन कह लो काफ़ी ज़्यादा लो हो गए, क्योंकि वॉलेट को लेके मेरी एक्सपेक्टेशन फट गए। और ये एक वॉच के साथ ब्रेसलेट है और कुछ और भी है, कोई ना इसको भी खोल के देखते हैं। और ये एक वॉच है जो कि सस्ती सी काफ़ी लग रही है, एंड ये खाली। वैसे इसकी एक और अच्छी बात है कि हम लोग ये प्रोडक्ट वापस भी करा सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो। सो चलो अनबॉक्स करते हैं आपके सामने अब। सो ये रहे मेरे प्रोडक्ट, सो चलो अब इनका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले आई गेस इस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए मेरे को, ये वॉच है। एक्चुअली यार बेसिकली ना मेरे को वॉच रखने के कह लो हॉबी है या शौकीन हूँ मैं घड़ियों का, तो इसलिए मैंने मंगाया था जो कि मेरे को लग रहा है काफ़ी बेकार क्वालिटी है। सो ये देखो वॉच, और मेरा फेस दिखाई। सो यार मैं कहना चाहता हूँ ये तो टट्टी है, अपने इंडिया में मेले में नहीं मिलता, हद से हद 100-200 रुपये। वैसे मैं जान के कोई बैड रिव्यू नहीं देना चाहता बट यार प्रोडक्ट हाथ में पता लग रहा है क्या चीज़ है, बहुत बेकार क्वालिटी है, इसको देखते हैं अब क्या बताऊँ। एक्सपेक्टेशंस मेरे सारे लो हो गए। और ये मेरा वॉलेट ब्राउन कलर का, फोटो में तो काफ़ी सही लग रहा था, नहीं 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 एक्चुअली इस चीज़ ने मेरी एक्सपेक्टेशन लो कर दी थी। अगर मैं सही बात बताऊँ तो वॉलेट यार इतना बुरा नहीं है, ठीक है, ऐसे अगर सीधे रखना चाहूँगा तो नहीं आ पाएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, बट फोल्ड करके आ जाएगा, इसमें कार्ड्स के लिए काफ़ी जगह है ना, या एसडी कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास तो इसमें आ जाएंगे। ये मेरे को सही लग रहा है वॉलेट, सो कह लो मेरे को अभी दो प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट सही लग रहा है। सो अब नेक्स्ट ये भी वॉच ही है, देख लेते हैं कैसा है ये। सो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वॉचेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इवन कोई भी वॉच वाटरप्रूफ भी नहीं है।
खड़ा है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। लेदर बेल्ट लगी थी बट ये तो प्लास्टिक वाली है यार। फोटोशूट उनकी काफ़ी मस्त वाली की थी। ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, आराम से खुल जाएगा। सेम ऐसा इसके लिए भी है, प्लास्टिक ही है, कोई भी नहीं बेटर कह सकते हो। और ये वाले वॉच के साथ एक ब्रेसलेट भी मिला। अरे ब्रेसलेट काफ़ी हद तक यार सही भी लगेगा। कोई ना, बट ब्रेसलेट यार ठीक भी है, वो भी लो क्वालिटी का है बट क्या करें। और ये एक लॉकेट आई गेस, देखते हैं। या लॉकेट है ये, और जिस हिसाब से है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, काम चला हुआ है। इंडिया में वही 20-30 का मिल जाएगा, 50-80 तक का भी जा सकता, बट यार ये भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बट ये कह सकते कि वॉच के मुकाबले ये एंड ये दोनों ज़्यादा बेटर है। वॉच एक्चुअली यार प्लास्टिक है, ये फोल्ड होने से इस पर निशान पड़ जाएगा एंड काफ़ी जल्दी ख़राब भी हो जाएगा ये। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रिमर की आई गेस अनबॉक्सिंग करनी चाहिए, ट्रिमर नहीं शेवर है। सो देखते हैं, लाइटर तो यार ही वैसे ठीक है। सो ये चार्जर तेरे वॉच का भी, तेरे ट्रिमर का भी चार्जर सेम है जो कि गैप हो गया। वाओ, कर तो रहा नहीं है, किस काम का दिख रहा है? नहीं तो बेसिकली काफी मुश्किल से कट रहा है और ये तो खुल भी गया। वाह, ये बढ़िया बात है कि नहीं? नहीं। सो इसकी भी क्वालिटी इतनी बढ़िया वाली नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बट जो बैटरी बैकअप है वो 5 घंटे की है। एक इसकी अच्छी बात है कि हम सारे प्रोडक्ट वापस करा सकते हैं अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता तो। अब मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा लो होते जा रहे हैं इनके प्रोडक्ट को लेके। सो ये अब ब्लूटूथ रहेगा, ये भी चेक करते हैं। मैं ध्यान से थोड़ा कर रहा हूँ कि डब्बे को डैमेज ना हो, क्योंकि यार मेरे को लग रहा कि ये भी सही होगा। सो प्रोडक्ट मैं बेसिकली वापस करा दूँगा। तो सबसे पहली बात, ये सी टाइप वाला ब्लूटूथ है, टाइप सी, ये इसका चार्जर लगेगा। एंड सो डिजिटल स्क्रीन है इसकी जैसा कि दिख रहा है। और एक बार मेरे ख्याल से गाने इसमें सुन के बताना चाहिए आपको। सो चेक करते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपना रियल वाला ओपिनियन वैसे बता रहा हूँ। सो इसका जो ब्लूटूथ है ये सच में काफ़ी बढ़िया है। मैंने गाने भी सुनकर देखे, इवन अपने एक फ्रेंड को कॉल भी करके देखा, उसने कहा कि आवाज़ सही आ रही है। एंड गाने का बेस भी मेरे को ओवरऑल गुड लगा। और मेरे को ये नहीं पता लगा मैंने डब्बी इसकी कहाँ पर रख दी, कहाँ पर रखी ब्रो, दिख रहा है क्या? ये रही। सो ब्लूटूथ गुड है, बट ये बैटरी काफ़ी जल्दी लो होगी। आई गेस बैटरी बैकअप कितनी ज़्यादा नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, 2-3 घंटा निकालते हैं वही बहुत है, बाकी पावर बैंक अपने पास होता ही है। सो ये प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट अभी तक मेरे को सही लगे, 3 में से एक्चुअली, सॉरी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा गिम्बल कह लो या ट्राईपोड, नहीं गिम्बल है ना, नहीं गिम्बल नहीं है, सेल्फी स्टिक है, या सेल्फी स्टिक ट्राईपोड, वाओ दोनों ही है। सो ये चेक करते हैं कहाँ से खुलता है ये। वाओ, इजली खुल गया। मैं वैसे डब्बे को कोई हार्म नहीं करना चाहता था क्योंकि क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि यार बढ़िया होगा कि नहीं। अगर नहीं सही हुआ तो तुम्हें पता ही है, रिप्लेस कराना पड़ेगा। और ये चार्जेबल है ब्रो, अगर किसी ने मेरे को बताना है कि कैसी बातें कर रहा तो मैं पहले बता दूं, मेरे को इसके बारे में इतना आइडिया है ही नहीं। मीनिंग
ओके सो अपना मैं वन प्लस कनेक्ट करके देखता हूँ, काफी हार्ड है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं ब्रो 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 ब्रो। इसके साथ ये भी था ना, ओके सो ये नीचे लगेगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी चली जाए, अगर ये वीडियो लंबी गई तो मेरे को पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करना पड़ेगा। सो ये कनेक्ट हो गया, बट इससे काम क्या होगा यार। अच्छा ओके, इसको हम ऐसे फ़ोन को टिका भी सकते हैं, ये थोड़ा सही लगा। अब ये बाहर किस तरह निकलेगा, ओके सो यहाँ पर बटन है एक्चुअली, या सो ये ऑन हो गया एंड वाइब्रेशन मेरे को फील हुई। आई डोंट थिंक सो कि हमें फोन को ओके इसने रोटेशन ली, बट किस पे फोकस करके रोटेशन ले रहा है। ये अपने आप रोटेशन ले जा रहा है बिना किसी रीजन के। यार मैं चाहता हूँ कि खुल जाए। ओके क्या लगता है ये ऐसे खुलता भी होगा? आई डोंट थिंक सो। अगर मैंने इसको ज़्यादा चूतिया प्रोडक्ट है, मेरे को भी लग रहा है किसी काम का नहीं है, सेल्फी स्टिक भी नहीं है बहन चुप। तो ये चल रहे हैं बस बहुत कर। क्या मेरे फोन को पता लगेगा? नहीं यार ये मेरा फेस आई गेस डिटेक्ट कर रहा है। देख थोड़ा दूर से नहीं जाना, इसको आई गेस यहाँ पर रखता हूँ मैं। मैं अपना फेस अब मूव करूंगा ना, सही है सही है ना। मान लो अगर मैं कहीं पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मैं कहीं मूव हो रहा हूँ तो ये भी साथ साथ मूव हो रहा है। बट बात ये है कि हमने चेक करना है ये कितना मूव हो सकता है। आई गेस मे बी कैमरा इसका यहाँ पे है, ओके ये प्रोडक्ट भी सही है। एक्चुअली अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 5 में से 3.5 देना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ खास मेरे को लगा नहीं इसका, क्योंकि इतना सही से डिटेक्ट कर भी नहीं पा रहा है। लास्ट प्रोडक्ट मेरा एंड सबसे स्पेशल जो कि है एक ड्रोन। अगर ये उड़ता होगा तो इसकी टेस्टिंग मैं कल करूँगा, वो आपको शॉर्ट व्लॉग में कह लो, या शॉर्ट व्लॉग नहीं एक छोटी सी रील या यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू पता लग जाएगा। डब्बे के अंदर एक और डब्बा ड्रोन 6। इसमें इमरजेंसी स्टॉप है, ऑप्टिकल फ्लो पोशनिंग, ऑटो कनेक्ट, 1 key टेक ऑफ, 1 key लैंडिंग, 1 key कैलिब्रेशन, काफ़ी कुछ है। 360 रोल, LED लाइट स्ट्रिप, ओके। मेरे को यार इस वाले प्रोडक्ट से काफ़ी सारी चलो उम्मीदें हैं, बहुत सारे कि ये खिलौना नहीं है और इसको 14 ईयर्स से ऊपर वाले बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं हूँ ऑफकोर्स। थोड़ा भाई जूम अप दिखा, ये इसकी मैनुअल है जो कि काफ़ी सारी है। हाय हाय लगता है इसको पढ़ने इसको यूज़ करने के लिए मेरे को एक कोर्स करना पड़ेगा पूरा। सो ये रहा वो प्रोडक्ट जिसके लिए मैंने सारा ऑर्डर किया, मेन रीज़न यही था। सो इस प्रोडक्ट के साथ हमें मिलता है ये अजीब सी चीज़ जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि गाइस इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम टू ऑर्डर ड्रोन। और ये रहा ड्रोन फॉर, इसमें कुछ हमें रिमाइंडर भी दिया है, और आई गेस मैं अपना फ़ोन भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ
जो कि उस वीडियो में जैसा कि था। और इसमें पंख है इसके, जो कि असेंबल करने पड़ेंगे मेरे को। ये भी क्या चीज़ है मेरे को कुछ नहीं पता। ये गैस चार्जर है और ये रहा ड्रोन। इसमें कैमरे भी है, एक्चुअली दो कैमरे है, कल उड़ा के देखना पड़ेगा। और इसका भी वीडियो काफ़ी जल्दी आएगा। मेरे को यार पता नहीं क्यों ड्रोन सही लग रहा है। और इसमें दो कैमरे हैं। ड्रोन वैसे इतना बड़ा नहीं है जो कि दिख रहा होगा, बट यार मैं सही बताऊँ एक हिसाब से फ्री का पड़ा है मेरे को, बाकी सब का कॉस्ट लगा है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रख सकता। ये बट पावर रेंजर के मोफर जैसा लग रहा है, ब्लू रेंजर। सो इस प्रोडक्ट को मैं उड़ा के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को अभी आता नहीं। आई गेस बैटरीज होगी इसमें जो कि कनेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें वैसे दो कैमरा है, एक यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे। एंड ये कैमरा मूव भी करता है। या कैमरा मेरे को लग नहीं रहा इतने ज़्यादा पिक्सल्स के होंगे, बट स्टिल देखते हैं। सो आज की ये वीडियो यहीं तक। आपको अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो साथ में बने रहो। एंड ये आपको यूट्यूब शॉर्ट पे मिल जाएगा कि ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह यूज़ करता है। सो तब तक मैं भी सीख जाऊँगा इसको किस तरह उड़ाते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कि आप तब भी नहीं करते। ओके गाइस, सो बने रहो साथ में। सो हाँ, मैं वीडियो लास्ट में एक्चुअली बताना भूल गया आपको कि ये टोटल जितना भी प्रोडक्ट है ये सब मेरे को $81 में पड़ा था, जो कि कह लो कि थोड़ा ज़्यादा भी है। बट अगर ये ड्रोन सही निकला तो ब्रो सारे चीज़ के पैसे भी सही, जो कि मेरे को अभी ये सही लगा। एंड वॉलेट के अलावा वो गिम्बल भी सही है। एंड ड्रोन का अभी टेस्ट करना बाकी है, तो वो नेक्स्ट शॉट में या वीडियो में पता लगेगा आपको। सो अभी इतना ही।